हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत फोर्ज के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 20 जुलाई 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले भारत फोर्ज में आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे ही आप देख सकते हैं, आज के दिन स्टॉक में हमें देखने मिला है एक नेगेटिव मूव 1.71% का। 855.55 में क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, जरूर हमारे ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वनडे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से थोड़ा ज्यादा हमें वॉल्यूम देखने मिला। कैंडल मीडियम साइज की दोनों के साइड में छोटी छोटी विक हमें देखने मिल रही है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई हमारा यहाँ पे 5960 के आसपास आ चुका है, जो हमें यहाँ पे जरूर एक स्लाइड नेगेटिव मोमेंट का इशारा देता है। लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी हमें कंसीडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन जरूर एक नेगेटिव मूव का एक्सपेक्टेड है। स्टॉक में थोड़ा डाउनसाइड हमें जो है 846 के आसपास देखने में, और उसको भी क्रॉस करते हैं मूवमेंट हमें डाउनसाइड की जो है वो 832.75 के आसपास देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में ट्रेंड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा और वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करनी तो स्टॉक अभी भी आपको यहाँ पे 825 के आसपास जो है दो दिन तक सस्टेन करते हुए देखने मिला, जरूर वहाँ पे बाइंग करें। वहाँ से आपको 5-10% का इजीली अपसाइड मूव जो है 10-15 ट्रेडिंग डिस्काउंट आते हुए देखने मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है, करंट प्राइस में रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं तो कहूँगा स्टॉक आप आराम से गिरने दे। स्टॉक अभी भी यहाँ पे जो है आपको अराउंड 787 के आसपास अगर जो है यहाँ पे आते हुए देखने में, जरूर वहाँ पे बाइंग करें। लेकिन 100% कैपिटल ना डालें, 20-25% तक आप कैपिटल डालें, बाकी कैपिटल आप होल्ड करके रखें। जब भी एडिशनल डाउनफॉल आपको 10-20% का देखने मिले तब वहाँ पे एडिशनल बाइंग करें। याद रखना एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना बाइंग एवरेज प्राइस को जो कम करने में। जितना बाइंग एवरेज प्राइस आपका लॉन्ग टर्म के लिए कम होगा उतना ही बढ़िया प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड को हेल्प चाहिए, नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस भी यहाँ पे मार्क्ड है। तो फिलहाल हमें कोई ऐसे यहाँ पे मार्किंग करने की जरूरत है, थोड़ा सा डेटा में जो चेंजेस उसको खाली मैं कर देता हूँ। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरीडे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बात करूँ इसके क्लोजिंग की, 855.90 के आसपास क्लोजिंग हुई। डायरेक्ट सपोर्ट आता 853 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता 856 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरे ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट क्या था, अगला सपोर्ट आता 848 का, उसके बाद क्या था 842 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता 861 का, उसके बाद क्या था 866 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपन स्टॉक में यहाँ पे जरूर जो है पॉजिटिव क्लोजिंग है। 856 से लेके 861 के रेंज में हमारी क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन है, यानी कि इस रेंज में एक पॉजिटिव क्लोजिंग में कल के दिन जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।